So hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप अपने चश्मा हटाने का ऑपरेशन लेटेस्ट लेजर टेक्नोलॉजी सिल्क से प्लान कर रहे हैं तो सिल्क वाला ऑपरेशन कैसे कैसे करा जाता है और ऑपरेशन के दौरान आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे ऑपरेशन का रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आए और पूरी लाइफ के लिए आपको चश्मे से आजादी मिल जाए। देखिए, ये जो सिल्क वाला ऑपरेशन होता है बेसिकली ये दो स्टेप्स में करा जाता है। तो जो पहला स्टेप होता है वो हम करते हैं सिल्क वाली मशीन में। तो ये आप देख सकते हैं, लाल रंग का बेड है। सबसे पहले आपको हम लोग इस मशीन पे लिटाएंगे जहां पे फर्स्ट लेजर वाला स्टेप कंप्लीट करा जाएगा। उसके बाद हम आपको दूसरी मशीन पे शिफ्ट करेंगे जहां पे आपका सेकेंड स्टेप पूरा करा जाएगा। जब आप फर्स्ट मशीन पे लेटे हैं और आप ऊपर की तरफ मशीन में देखेंगे तो आपको लाल रंग की ब्लिंकिंग लाइट दिखेगी। पूरे टाइम आपको उस लाइट पे देखते रहना है जिससे आपकी आंखें स्ट्रेट रहे और ऑपरेशन हम परफेक्टली कर पाए। और जब हम आपको सेकेंड मशीन पे शिफ्ट करेंगे तो आपको ऊपर की साइड ग्रीन या हरे रंग की लाइट ब्लिंक करती हुई दिखेगी। तो पूरे टाइम उस लाइट को आपने देखते रहना है। अब मैं पूरा ऑपरेशन आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि ऑपरेशन कैसे कैसे हमने करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे पहला स्टेप जो लेजर वाला होगा वो फर्स्ट मशीन जो सिल्क वाली मशीन है उस पर करा जाएगा। सबसे पहले मैं आपकी आंख पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा जिसको कहते हैं स्पेकुलम। इस इंस्ट्रूमेंट का काम है कि हमारी आंख लेजर के दौरान खुली रहे और लेजर करते हुए आंख बंद ना हो। इस टाइम पे जब आप लेजर मशीन के नीचे लेटे हुए हैं तो आपको ऊपर की साइड एक रेड कलर की ब्लिंकिंग लाइट दिखेगी। पूरे टाइम आपको उस लाइट पर देखते रहना है। अब देखिए, जब मैं ऑपरेशन शुरू करूंगा तो ऑपरेशन के दौरान मुझे आंख को पकड़ना पड़ता है कि लेजर के दौरान आंख हिले ना। तो मैं इस टाइप का एक सक्शन एपरेटर सबसे पहले आंख पे लगाऊंगा और सक्शन से या वैक्यूम से मैं आंख को पकड़ लूंगा। जिस समय मैं आपकी आंख पर ये सक्शन लगाऊंगा उस समय आपको दिखना बंद हो जाएगा, आंख में ब्लैकआउट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, करीब 15 सेकंड का ये ब्लैकआउट होगा जिस समय हम लेजर करेंगे और जब मैं ये सक्शन रिंग हटाऊंगा तो नजर वापस साफ हो जाएगी। इसके बाद जो सिल्क वाली मशीन है उसको धीरे धीरे मैं आंख के ऊपर टच करूंगा। तो ये आप देख रहे हैं, मशीन को धीरे धीरे मैं आंख के टुवर्ड्स डाउन कर रहा हूं और आंख के ऊपर मैंने इस मशीन को टच कर दिया। एक बार ये मशीन आंख के ऊपर टच हो जाती है फिर हम मशीन को लॉक कर देते हैं और लेजर करने के लिए रेडी है। तो अभी मैं आपको एक और एंगल दिखा रहा हूं कैमरे का जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो कि हम लोग कैसे ऑपरेशन करते हैं। तो अगेन फर्स्ट स्टेप में आपको दोबारा दिखा रहा हूं दूसरे एंगल से। तो मशीन रेडी है, पेशेंट रेडी है, लाल लाइट में पेशेंट देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सक्शन रिंग को लगाया और सक्शन को ऑन कर दिया। तो जैसे ही मैं सक्शन को ऑन करूंगा आपको दिखना बंद हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, घबराना नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे लेजर मशीन को नीचे लाऊंगा और आंखों के ऊपर टच कर दूंगा। जब ये मशीन आंख पे टच होगी तो हल्का सा आपको लग सकता है कि आंख को कोई दबा रहा है या आंख पे प्रेशर आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फिर हम मशीन को लॉक कर देंगे। अब हम लेजर फायर करने के लिए रेडी हैं। मैंने अपना हाथ छोड़ दिया, जो भी थोड़ा बहुत सेटिंग करनी है लेजर में उसको हम कर देते हैं और लेजर डालने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। बस अब मैं लेजर पेडल दबाऊंगा और लेजर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं लेजर को, बस स्क्रीन पर देखते रहिए आप। तो ये आप देख सकते हैं मैंने लेजर ऑन कर दिया और लेजर आंख के ऊपर काम कर रहा है और चश्मे का नंबर हटा रहा है। तो ये जो पहला स्टेप है ये करीब 15 से 20 सेकंड का होता है और इस स्टेप के दौरान आपको अलग अलग लेजर की आवाजें सुनाई देंगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस इसके बाद हम लेजर मशीन आंख से उठा देंगे, आपका जो ब्लैकआउट हुआ था वो खत्म हो जाएगा
और फिर हम आपकी सेकेंड आई को स्टार्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं सेकेंड आई को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो सारा मैंने आपको प्रोसेस बताया वो सेकेंड आई में रिपीट होगा। इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है और सेकेंड स्टेप के लिए आपको दूसरे बेड पर शिफ्ट करा जाएगा। यहां पर जब आप लेटेंगे तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हैं। फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा आप रिलैक्स रह सकते हैं। सेकेंड स्टेप में पूरे ऑपरेशन के दौरान आपको ऊपर जलती हुई ग्रीन लाइट या हरी लाइट को देखते रहना है। इस समय मैं आपकी आंख को थोड़ा बहुत टच करूंगा, आपको ऐसा लगेगा कि आंख पे कुछ वाइपर चल रहा है। अलग अलग आपको आवाजें भी सुनाई देंगी, मशीन की आवाज भी सुनाई देगी, बीप की आवाज भी सुनाई देगी, बट पूरे टाइम आपका ध्यान ऊपर ग्रीन लाइट पर होना चाहिए। स्पेशली जब मैं आपको बोलूं कि ज्यादा ध्यान रखिए तो उस समय आपको ज्यादा अटेंटिव रहना है। देखिए सेकेंड स्टेप जो है ये एक तरह से कंट्यूरा जैसा ही है। तो जैसे मैंने आपको कंट्यूरा में बताया हुआ है कि जब आप कंट्यूरा ऑपरेशन कराने आते हैं तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ऊपर ग्रीन लाइट पर देखते रहना है और जैसा जैसा मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं उसको फॉलो करना है। सेम सा आपका सेकेंड स्टेप रहता है सिल्क में भी। तो बस इसके बाद आपका ऑपरेशन खत्म हो गया और आप फ्री हो गए और आज के बाद चश्मा कभी नहीं पहनना।